गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू गंगोत्री ग्रुप ऑफ स्कूल। टुडे आई विल टेल यू सम एग्जांपल ऑन आरसी सर्किट। आरसी सर्किट इन केस ऑफ चार्जिंग वी हैव गॉन थ्रू ऑलरेडी। मैंने चार्जिंग के केस में आरसी सर्किट कैसे सॉल्व किया जाता है ये आपको बताया था। यहाँ एक एग्जांपल लिया है मैंने, ये सर्किट है। इस सर्किट में टी बराबर जीरो का मतलब जब ये स्विच क्लोज किया जाएगा, जैसे ही ये स्विच क्लोज किया जाता है उसी इंस्टेंट पे आप बताइए करंट क्या आएगी सर्किट में, इस सर्किट में करंट क्या आएगी, हर एक रेजिस्टेंस में करंट कितनी आएगी जैसे ही ये स्विच क्लोज किया जाएगा, यानी टी बराबर जीरो पर। क्लियर, ये आपको बताना है। आपको याद होगा मैंने बताया था आपको कि चार्जिंग के केस में, कैपेसिटर के चार्जिंग के केस में यदि टी बराबर जीरो पर देखा जाए तो सर्किट एक स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर की तरह बिहेव करता है, और टी बराबर इन्फोनाइट पर यदि आप कैपेसिटर का बिहेवियर देखते हो तो सर्किट एक टूटे हुए रास्ते की तरह बिहेव करता है। यानी टी बराबर जीरो पर सर्किट की दोनों प्लेट को एक कंडक्टिंग वायर मान लेते हैं, जुड़ी हुई दोनों प्लेट जुड़ जाती हैं एक दूसरे से, यानी एक स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर, और टी बराबर इन्फोनाइट पर हम सर्किट में कैपेसिटर को तोड़ देते हैं, मतलब वहाँ से उस ब्रांच को तोड़ देंगे। ये मैंने आपको बताया था, समझे। तो इसी चीज़ को यूटिलाइज करते हुए यहाँ मैं कैसे सॉल्व करूँगा, ध्यान से देखेंगे आप। सॉल्यूशन, स्विच क्लोज करने के बाद फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं मैं टी बराबर जीरो पर। तो टी बराबर जीरो का फिगर जो एक्चुअल में होगा वो ये होगा, जो कैपेसिटर्स मैंने लगाए हुए हैं वो एक स्ट्रेट वायर की तरह बिहेव करेंगे। ये कितना है 5 ओम, ये कितना है 10 ओम, ये कितना है 3 ओम। यहाँ कैपेसिटर स्ट्रेट वायर बन जाएगा, यहाँ कैपेसिटर स्ट्रेट वायर बन जाएगा एट टी बराबर जीरो। और ये कितना है 45 वोल्ट। तो ये आपको नया सर्किट दिखाई देगा। अब इस सर्किट में देखो, इस सर्किट में आप ये बोलोगे कि ये रेजिस्टेंस शॉर्ट हो चुका है कंडक्टिंग वायर, और ये रेजिस्टेंस भी शॉर्ट हो चुका है कंडक्टिंग वायर, यानी ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा जीरो रहेगा क्योंकि ये शॉर्ट हो चुका है, कंडक्टिंग वायर है इसके दोनों एंड के अक्रॉस, ऐसे ही इसके दोनों एंड के अक्रॉस कंडक्टिंग वायर। तो इसका मतलब ये दोनों रजिस्टर कोई रोल प्ले नहीं करेंगे सर्किट में, करंट ऐसे आएगी कंडक्टिंग वायर से होते हुए ऐसे जाएगी और इस रजिस्टेंस से होते हुए फिर से बैटरी में चली जाएगी, यानी बैटरी को सिर्फ 3 ओम रेजिस्टेंस फील होगा। तो जो करंट आएगा टी बराबर जीरो पर सर्किट में वो आएगा 45 वोल्ट/3, यानी 15 एम्पियर। पहला आंसर तो ये आया 15 एम्पियर। आई कहानी समझ में, यानी पहले वाले का आंसर क्या है 15 एम्पियर। इसमें करंट जीरो आएगी, इसमें करंट जीरो आएगी, यहाँ से 15 एम्पियर निकलेगी और ऐसे होते हुए टी बराबर जीरो पर बैटरी में चली जाएगी। टी बराबर जीरो की करंट मैंने आपको बताई। अब मैं सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, चेंज ऑन कैपेसिटर इन इक्विलिब्रियम स्टेट, चार्ज ऑन कैपेसिटर इन इक्विलिब्रियम स्टेट। इन कैपेसिटर्स पर इक्विलिब्रियम स्टेट में कितना चार्ज आएगा, उसके लिए मुझे पता होना चाहिए कि इन कैपेसिटर पर इक्विलिब्रियम स्टेट में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा। तो मैं इस पर चार्ज बता दूंगा। इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब होता है काफ़ी लंबे समय के बाद, यानी ऑलमोस्ट इनफिनाइट समय के बाद। इनफिनाइट समय के बाद का सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं कि कैपेसिटर कैसा बिहेवियर देगा। इनफिनाइट समय के बाद कैपेसिटर एक टूटे हुए ब्रांच की तरह बिहेव करता है, तो सर्किट कुछ ऐसा ड्रॉ किया जाएगा। यहाँ से तोड़ देंगे आप रास्ते को और यहाँ से भी रास्ते को तोड़ देंगे, मतलब ये ब्रांच और ये ब्रांच हटा दोगे। कैपेसिटर इन्फिनाइट रेजिस्टेंस देता है टी बराबर इन्फिनाइट पर, इसका मतलब यहाँ वायर टूटा हुआ नजर आएगा, यहाँ कोई कनेक्शन नहीं है, इसका मतलब ये है। ये कितना है 5 ओम, ये कितना है 10 ओम। अब इस बैटरी को टोटल रेजिस्टेंस जो फील होगा वो इस रास्ते के द्वारा फील होगा, और इस रास्ते में 18 ओम रेजिस्टेंस टोटल आता है, तीनों सीरीज में हो जाएंगे। तो कितना आएगा
18 ओम रेजिस्टेंस, तो जो करंट आएगी t बराबर इन्फिनाइट पर वो आएगी 14 5 बाई 18, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 9 5, तो 2.5 एम्पियर करंट आएगी इक्विलिब्रियम स्टेट में, यानी इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा इक्विलिब्रियम स्टेट में, 2.5 करंट I इंटू आर कितना आएगा 12.5 वोल्ट। ऐसे ही इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा एट टी बराबर इन्फिनाइट, टी बराबर इन्फिनाइट की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ क्या आएगा I इंटू आर, क्योंकि पूरी करंट ऐसे जाएगी, ये तो रास्ते टूट चुके होंगे, करंट पूरी की पूरी ऐसे जाएगी, तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस और यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस आप कैलकुलेट करके लिख सकते हो I इंटू आर, तो यहाँ आएगा 25 वोल्ट एट t इज इक्वल टू इन्फिनाइट। अब देखो t बराबर इन्फिनाइट पर सर ये कैपेसिटर भले ही ऐसा बिहेव कर रहा है कि वो नहीं है, वो बिहेव ही तो कर रहा है ऐसा कि वो यहाँ नहीं है, अदरवाइज कैपेसिटर यहाँ एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो बिहेव ऐसा कर रहा है कि वो यहाँ इन्फिनाइट रेजिस्टेंस दे रहा है, इसका मतलब ये ब्रांच टूटी हुई फील हो रही है सर्किट को, अदरवाइज कैपेसिटर एग्जिस्ट करता है, समझे। तो कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ जो यहाँ कैपेसिटर है यानी ये 25 वोल्ट, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है, तो इसके इन्फिनाइट पर t बराबर इन्फिनाइट पर इसको जो पोटेंशियल डिफरेंस फील होगा वो 25 होगा, समझे। तो कितना आएगा इस पे चार्ज, ये आएगा 25 × 4 यानी 100 कूलम ये आएगा, और इसी प्रकार से आप इस पे भी लिख सकते हो यहाँ 25 टी इन्फिनाइट 25 कूलम, समझे। 12.5 वोल्ट ये आया पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस, तो यही इसके अक्रॉस होगा, Q बराबर सी वी, सी कितना है 2, V कितना है 12.5, तो इसको दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, आएगा 25 कूलम, यहाँ आएगा 25 कूलम, यहाँ आएगा 100 कूलम, तो मुझे दोनों कैपेसिटर पर इन्फिनाइट समय पर पोटेंशियल डिफरेंस मिलते ही चार्ज पता चल चुका है, तो दूसरे वाले का आंसर आ चुका है, इस पे कितना है चार्ज 25 × 4 यानी 100 कूलम, 100 कूलम, और यहाँ कितना है 25 कूलम। अब इसके बाद, करंट इन सर्किट इन इक्विलिब्रियम स्टेट, सर्किट में इक्विलिब्रियम स्टेट में करंट कितनी आएगी, करंट इन सर्किट इन इक्विलिब्रियम स्टेट, इस सर्किट में इक्विलिब्रियम स्टेट में करंट कितनी आएगी वो अभी कैलकुलेट किया था मैंने, करंट से ही तो आया था ये, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस और इसमें पोटेंशियल डिफरेंस करंट से ही तो आया था, तो यानी इसको सॉल्व करने के लिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने तीसरा क्वेश्चन पहले ही सॉल्व कर चुका हूं मैं, ये आंसर आएगा 2.5 इसका, समझे ना आप, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मुझे तीसरा सॉल्व करना ही करना पड़ेगा, इसमें 2.5 आएगा तभी मैं पोटेंशियल डिफरेंस इसमें बता पाऊंगा और तभी मैं चार्ज बता पाऊंगा, इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस पर पूछे जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, समझे, तो समझेंगे आप इसको ध्यान से। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल, इसमें दिया गया है एक बैटरी, एक रजिस्टर, दूसरा रजिस्टर, रजिस्टर के साथ पैरेलल में एक कैपेसिटर। देखो कैपेसिटर करंट इलेक्ट्रिसिटी दोनों को इन्वॉल्व करके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो टी बराबर जीरो और टी बराबर इन्फिनाइट पर आपसे करंट या सर्किट में करंट या कैपेसिटर पे चार्ज पूछ लिया जाता है। इसी टाइप का एक क्वेश्चन मैंने अभी कराया था आपको, ये भी ऑलमोस्ट उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। जैसे पहला क्वेश्चन, इसमें कैलकुलेट करंट इन बोथ द रेजिस्टेंस टी बराबर जीरो, टी बराबर जीरो पर दोनों रेजिस्टेंस में करंट बताओ, तो मैं इसको जब सॉल्व करूंगा पहले क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए, t बराबर जीरो का मैं सर्किट ड्रॉ करता हूँ, t बराबर जीरो का सर्किट ये ड्रॉ किया जाएगा, रेजिस्टेंस में तो कोई चेंज नहीं आता है, लेकिन कैपेसिटर अपना बिहेवियर चेंज करता है, कैपेसिटर ये बिहेवियर शो करेगा t बराबर जीरो पर, ये आएगा 15 ओम, ये आएगा 5 ओम, और ये इधर है 100 वॉल्ट, कैपेसिटर एक स्ट्रेट वायर हो जाएगा एट टी बराबर जीरो। इसका मतलब ये है, जैसे ही टी बराबर जीरो पर आप बात करोगे, इसका मतलब कैपेसिटर एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, ये सर्किट से हट जाएगा, इसको शॉर्ट कर दिया आपने, ऐसा सर्किट बनाते, यानी टी बराबर जीरो पर 5 ओम सर्किट में एग्जिस्ट नहीं करेगा,
ऐसे करंट जाएगी और ऐसे आ जाएगी। तो इस स्टेट में जो करंट आएगी वो आएगी 100 वोल्ट बाय 15 यानी 20 बाय 3 एम्पियर। ये आपका आंसर है, क्लियर। अब सेकंड की बात करते हैं, दोनों रेजिस्टेंस में करंट बताना था मुझे। कैलकुलेट करंट इन बोथ द रेजिस्टेंस एट टी बराबर 0 यानी इसमें कितनी है 20 बाय 3 लेकिन इसमें कितनी है 0। तो आंसर लिखोगे आप करंट इन 15 वोल्ट 15 ओम रेजिस्टेंस आएगा 20 बाय 3 एम्पियर और करंट इन 5 ओम रेजिस्टर आएगा 0। ये पहले वाले के दो आंसर हुए इसके। अब बात करते हैं नेक्स्ट, कैलकुलेट करंट इन बोथ द रेजिस्टेंस एट टी बराबर इनफिनाइट। इसको टी बराबर इनफिनाइट पर ड्रॉ करेंगे। अब टी बराबर इनफिनाइट पर आप ये बोलोगे कि यहां से टूट जाएगा ये, ऐसे ये रास्ता टूट जाएगा और ये रास्ता टूटते ही पूरा का पूरा करंट इन दोनों रजिस्टर में ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, ऐसे। क्लियर। तो ये दोनों किस में जुड़ जाएंगे 20। अब इस बैटरी को ये टी बराबर 0 का था करंट, अब मैं आई बराबर टी बराबर इन्फिनाइट का आपको बता रहा हूँ। तो इस बैटरी को टोटल रेजिस्टेंस 20 फील होगा इस टाइम, अब क्योंकि पूरी करंट ऐसे जाएगी। तो टोटल रेजिस्टेंस 20, पोटेंशियल डिफरेंस 100 बाय 20 5 एम्पियर। इसका मतलब सेकंड वाले का आंसर क्या आएगा, दोनों में करंट सेम, आई 5 ओम बराबर आई 15 ओम बराबर 5 एम्पियर, दूसरे का आंसर यह है। तीसरा क्वेश्चन ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अब तीसरे क्वेश्चन में किसी टाइम टी पर उसने पूछा है, तो किसी टाइम टी पर मैं कैपेसिटर को ना तो तोड़ सकता हूँ और ना ही एक स्ट्रेट वायर बना सकता हूँ। अब ये चार्जिंग वाला केस हो जाएगा, कौन सा केस, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर जो आपको बताया था, एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला जो मेरे पास आया था किसी टाइम टी पर, इस पर चार्ज क्या आएगा, याद करें किस फॉर्म में आता है वो चार्ज, मैंने बताया था आपको वो फॉर्म इस प्रकार से आती है, क्यू एट एनी टाइम टी क्यू ऑफ इन्फिनाइट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ और टाउ होता है आरसी। ऐसा फॉर्मूला होता है किसी टाइम टी पर अगर आपको बताना है। अब ये कब होता है फॉर्मूला, जब एक रेजिस्टेंस, एक कैपेसिटर, एक बैटरी। अब ये तो एक कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर है, वहाँ तो तीनों एक रेजिस्टर, एक कैपेसिटर, एक बैटरी सीरीज में थे, तीनों एक ही लूप में थे। अब यहाँ लूप भी एक दो, एक बाहर वाला लूप, तीन लूप हैं और रेजिस्टर भी दो हैं और कैपेसिटर के वो रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज में नहीं, एक पैरेलल में और एक सीरीज में, समझे। तो ये वो वाली स्ट्रक्चर तो नहीं है जिसके लिए फॉर्मूला प्रूव किया था, लेकिन मैंने आपको बोला था कि ये फॉर्मूला हम किसी भी स्ट्रक्चर के लिए अप्लाई कर सकते हैं थोड़े से चेंज करने के बाद। वो थोड़ा सा चेंज किया था, थेवेनिन थ्योरम। अगर थेवेनिन थ्योरम आपको आती है तो ये जो सिर्फ एक लूप के लिए फॉर्मूला हमने डेराइव किया था, ये फॉर्मूला हम किसी भी स्ट्रक्चर पे अप्लाई कर सकते हैं। कैसे करते हैं कि मुझे निकालना होता है इस कैपेसिटर को कितना रेजिस्टेंस फील हो रहा है, यानी पहले तो टाउ निकालूंगा मैं, टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट होता है आरसी, इसमें जो आर होता है वो आर थेवेनिन थ्योरम से निकालते हैं। तो मैं लिखने जा रहा हूं फॉर कैलकुलेशन ऑफ टो गिवन कैपेसिटर, ये जो कैपेसिटर है सी 4 फैरेड, इस 4 फैरेड के लिए टो कैलकुलेट करने जा रहा हूं मैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं टो, बाय थेवेनिन थ्योरम, यहां कर देता हूं बाय थेवेनिन थ्योरम। ये क्या बोलती है कि बैटरी को कर दो शॉर्ट, जहां जहां भी रेजिस्टेंस है उनको लिख दो और कैपेसिटर को हटाकर वहां ए और बी दोनों प्लेट को हटा दो और ए और बी लिख दो। यहां बचेगा 15 ओम, यहां बचेगा 5 ओम
और यहाँ एक स्ट्रेट वायर हो जाएगा। अब आप आर ए बी निकाल दो, अब आर ए बी में आपको दिखाई देगा कि ये दोनों पैरेलल में हैं, और पैरेलल में रेजिस्टेंस यदि होता है तो 5 × 15/20, इस तरीके से आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए बी के बीच निकाल सकते हो। तो ये आएगा 15/4, ये आया आर ए बी। तो टॉर्क जो आएगा टॉ किसका, 4 μF का टॉर्क जो आएगा वो आएगा 15/4 × RC, ये आया आर, सी कितना है 4, तो ये आएगा 15 सेकेंड। टाइम कांस्टेंट, इसकी जो यूनिट होती है वो सेकंड होती है। ये हम कैसे पता मुझे कि इसकी यूनिट सेकंड होती है, ये इसलिए पता मुझे डायमेंशनल एनालिसिस से, e टू द पावर जो भी होगा वो डायमेंशनलेस होगा, e टू द पावर, किसी भी मैथमेटिकल फंक्शन का इनपुट हमेशा डायमेंशनलेस होता है, और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e टू द पावर एक्स, एक्स शुड बी डायमेंशनलेस, और यहाँ एक्स में क्या आ रहा है टाइम बाय टॉ, तो अगर टॉ टाइम होगा तो टाइम से टाइम कट जाएगा, फिर ये डायमेंशनलेस हो जाएगा, इसलिए टॉ को टाइम होना पड़ेगा, इसलिए मैंने बोला कि टॉ की यूनिट आएगी सेकंड। क्लियर, तो मेरे पास टॉ आ चुका है, कितना आया टॉ 15 सेकंड। अब दूसरी चीज इसमें निकालते हैं फॉर कैलकुलेशन ऑफ क्यू इन्फिनाइट। दो चीजें मुझे पता चलते ही, किसी भी रैंडम सर्किट के लिए दो चीजें पता चल जाए, एक तो टॉ पता चल जाए और क्यू इन्फिनाइट पता चल जाए, तो मैं डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकता हूँ इस सी के अक्रॉस किसी टाइम टी पर चार्ज बताने के लिए, ये फॉर्मूला मैं यूज़ कर सकता हूँ यदि मुझे क्यू इन्फिनाइट और टॉ पता चल जाए। अब टॉ पता चल चुका है इस कैपेसिटर के लिए, अब टी क्यू इन्फिनाइट कैसे पता चलेगा, क्यू इन्फिनाइट वही क्वेश्चन है जो मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में सोल्व किया था, इससे पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने सोल्व किया था कि कैपेसिटर पर इन्फिनाइट समय के बाद चार्ज बताओ, कैपेसिटर पर इन्फिनाइट समय के बाद चार्ज बताओ, यही तो है क्यू इन्फिनाइट, यानी इक्विलिब्रियम स्टेट में कैपेसिटर पर कितना चार्ज है ये बताओ। इक्विलिब्रियम स्टेट में या इन्फिनाइट समय के बाद इस कैपेसिटर पर जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा उस पोटेंशियल डिफरेंस से ही इस पर क्या आएगा, चार्ज आएगा। अब मुझे पता है कि इन्फिनाइट समय के बाद इन दोनों रेजिस्टेंस में, यानी इसमें भी और इसमें भी, इन्फिनाइट समय के बाद 5 एम्पियर करंट है, यानी इसमें भी कितनी है, इक्विलिब्रियम स्टेट में 5 एम्पियर करंट है, यानी इन दोनों पॉइंट के बीच इसके और इसके, यानी इस आर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, रेजिस्टेंस इनटू करंट। तो मुझे ये पता चल जाएगा यदि मैं इस सर्किट से सॉल्व करता हूँ इस पोटेंशियल, इस कैपेसिटर के अक्रॉस इन्फिनाइट समय के बाद पोटेंशियल डिफरेंस 25 वोल्ट आएगा एट टी बराबर इन्फिनाइट, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 फैरेड कैपेसिटर, कैसे बताऊंगा मैं, इसके पैरेलल में कैपेसिटर, तो इस पर जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा इन्फिनाइट पर वही इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो वी 4 फैरेड जो आएगा वो आएगा 5 × उसमें करंट कितनी है 5, इन्फिनाइट समय में इसमें करंट 5 है, इसका रेजिस्टेंस 5 है, तो I × R यानी 25 वोल्ट, ये मेरे पास आ जाएगा 4 फैरेड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, 4 फैरेड के अक्रॉस। इसका मतलब क्यू इन्फिनाइट एट 4 फैरेड जो आएगा वो आएगा C × V, सी है 4 × V है 25, उसका C कितना है, इसका C 4 और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 25, तो आएगा 100 कूलम, चार्ज कितना आएगा 100 कूलम। तो मेरे पास दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, वो आ चुकी हैं 100 कूलम। तो मैं ये बोलूँगा किसी टाइम टी पर यदि मुझे इस कैपेसिटर पर चार्ज बताना है, इस कैपेसिटर पर चार्ज किसी टाइम टी पर मुझे बताना है, तो वो आएगा क्यू इन्फिनाइट यानी 100
वन माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाय टाउ। टाउ कितना आया? 15 सेकेंड। ये मेरा फाइनल आंसर आया। ये आंसर किस चीज़ का आया? कि इस कैपेसिटर पर एट एनी टाइम टी पर चार्ज कितना है। इस कैपेसिटर पर किसी टाइम टी पर चार्ज इस इक्वेशन के अनुसार दिया जाएगा। समझे? मैंने थेवेनिन थ्योरम यूज़ किया और सिंपल वो कॉन्सेप्ट यूज़ किया कि टी बराबर इन्फिनाइट पर इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैसे बताया जाए। इतना होने के बाद वैसे मेरा क्वेश्चन क्या था? कैलकुलेट, थर्ड क्वेश्चन था, कैलकुलेट करंट इन बोथ द रेजिस्टेंस एट टी बराबर एनी टाइम टी। किसी टाइम टी पर दोनों रेजिस्टेंस में करंट कितना आएगा ये मुझे बताना था। मैंने बता क्या दिया? कि इस कैपेसिटर पर किसी टाइम टी पर चार्ज कितना आया। अब आपको ये लग रहा होगा कि सर बेवकूफ़ हो चुके हैं, सर बेवकूफ़ हो चुके हैं। उसका रीज़न क्या है कि थर्ड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? कैलकुलेट करंट इन बोथ द रेजिस्टेंस, इन दोनों रेजिस्टेंस में करंट कैलकुलेट करना है मुझे। और सर कैलकुलेट क्या कर रहे हैं? इस कैपेसिटर में चार्ज किसी टाइम टी पर। अरे भैया मुझे करंट चाहिए इसमें और इसमें किसी टाइम टी पर। मैं कैलकुलेट क्या कर रहा हूँ? किसी टाइम टी पर इस पर चार्ज। तो ये चीज़ आपको थोड़ी एब्जर्ड लग सकती है, अजीब लग सकती है, लेकिन इन दोनों रेजिस्टेंस में यदि आप किसी टाइम टी पर करंट कमेंट करना चाहते हैं तो बेटा उसका एकमात्र यही तरीका है कि आप इस कैपेसिटर पे पहले किसी टाइम टी पर चार्ज निकालें। क्लियर? यही एक अच्छा तरीका है। और भी एक तरीका है जो कि बहुत ज़्यादा लेंदी, यही एक अच्छा तरीका है। अब मैं यदि इस कैपेसिटर में किसी टाइम टी पर चार्ज बता सकता हूँ तो मैं इस कैपेसिटर में किसी टाइम टी पर पोटेंशियल डिफरेंस भी बता सकता हूँ। ये चार्ज इस कैपेसिटर पर एट एनी टाइम टी है तो मैं लिखूँगा एट, ये बात बड़े ध्यान से सुनेंगे आप लोग जो अब मैं करने जा रहा हूँ, एट एनी टाइम टी पोटेंशियल across C कैसे आएगा? C के across at any time T potential कैसे आएगा? C के across Q बराबर CV होता है तो V बराबर Q by C आएगा, यानी QT by C। अब QT कितना है? 100, 1 minus e to the power minus T by 15 by C, वो 4 है, 25 आ जाएगा। तो v एट एनी टाइम t c बराबर आ जाएगा 25 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाई 15। ये आ गया। ये क्या आया? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस कैपेसिटर एट एनी टाइम t। अब मुझे पता है कि ये कैपेसिटर इस रेजिस्टेंस के पैरेलल में है तो जो भी पोटेंशियल डिफरेंस इसको फील होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस इसको फील होगा, हाँ या ना? इसलिए मैं बोल सकता हूं दैट्स व्हाई करंट एट एनी टाइम टी इन रेजिस्टेंस 5 ओम, 5 ओम में जो करंट आएगी 5 ओम में किसी टाइम टी पर वो कैसे आएगी? वी यानी पोटेंशियल डिफरेंस बाय आर, 5, ये आएगी 5 में किसी टाइम टी पर, 5 ओम में किसी टाइम टी पर करंट ये आएगी। तो पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस मुझे पता चल चुका है क्या है? ये लिख देता हूं 25 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाय 15 अपॉन 5। यही तो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन 5 यानी रेजिस्टेंस जो भी है उसका। अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? इतना कर दिया 5। तो मुझे पता चल चुका है कि एट एनी टाइम टी 5 ओम में जो करंट आएगी
वो आएगी 5 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाई टाउ। देखो इस पर चार्ज आते ही किसी टाइम टी पर, कितनी आसानी से मैंने इसमें करंट बता दिया किसी टाइम टी पर। अब यदि मुझे इन दोनों ब्रांच में करंट पता है किसी टाइम टी पर, तो मैं इसमें करंट नहीं बता सकता हूँ किसी टाइम टी पर। मैं ये बोलूँगा कि जो भी करंट यहाँ आएगी आई टी 5 ओम, और जो भी करंट यहाँ आएगी आई टी सी, इस सी में जो भी करंट आएगी वो दोनों यहाँ से आई होगी, यानी ये करंट इन दोनों का एडिशन होगी। इसका मतलब ये करंट आई टी 5 ओम प्लस आई टी कैपेसिटर में करंट यहाँ से जाएगी। इसका मतलब अगर मुझे कमेंट करना है एट एनी टाइम टी 15 ओम, तो मुझे एट एनी टाइम टी 5 ओम प्लस एट एनी टाइम टी इन कैपेसिटर, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। अब कैपेसिटर में करंट कितनी है, अरे भैया मुझे चार्ज पता है उसमें किसी टाइम टी पे कितना है, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो डी क्यू बाई डी टी, तो इसमें करंट आ जाएगी, बड़ा सिंपल है। और ये आ ही चुका है यहाँ से, तो ये वैल्यू यहाँ से पुट कर देता हूँ 5 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाय टाउ, और इसको डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ तो ये करंट आ जाएगी। डिफ्रेंशिएट करूँगा तो क्या आएगा, डिफ्रेंशिएट करने में आएगा 115 ई टू दी पावर माइनस टी बाई 15, ये आएगा डिफ्रेंशिएट करने के बाद। 100 का हो जाएगा 0 माइनस 100, और माइनस 1 बाई 15, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 100 बाई 15, ये फाइनल आंसर आएगा। मतलब इस 15 ओम में करंट बताने के लिए ये करंट और ये करंट दोनों को जोड़ना पड़ेगा, मैंने दोनों करंट को जोड़ दिया, ये फाइनल आंसर है, समझे। तो ये जो तीसरा क्वेश्चन मैंने पूछा, ये ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, ये तीसरा क्वेश्चन। अगर मुझे पैराग्राफ बनाना है, पैराग्राफ में क्वेश्चन पूछना है, तो मैं ये तीसरा क्वेश्चन पूछूंगा। इस तीसरे क्वेश्चन में बहुत सारे टाइप के, अगर मैं नीट को प्रिपेक्स में करके बोलूँ, नीट के कॉन्टेक्स्ट में बोलता हूँ यदि मैं, तो ये जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट से 3-4 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं सिर्फ थर्ड पॉइंट से। ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं फर्स्ट और सेकंड पॉइंट से आते हैं, समझा, नीट के प्रीपिक्स में, क्लियर। थर्ड क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन है, उसके एक एक स्टेप से क्वेश्चन आएगा, वो क्या करेगा आपको, वो बोल देगा कि इस पर किसी टाइम टी पर चार्ज इतना है, बताओ इसमें किसी टाइम टी पर करंट कितनी आएगी, ऐसा बोल देगा वो। पूरा सोल्व नहीं करना पड़ेगा आपको, इस तरीके से क्वेश्चन नीट में आएगा थर्ड पॉइंट से। आपको ये कंप्लीटली समझना है, ये कंप्लीट क्वेश्चन आपको समझना है कैसे किया मैंने।